तो ये बन रहा है पनीर रोल के अंदर का स्टफिंग। इसमें पनीर को बहुत अच्छा अमाउंट में डाला गया, आप देख सकते हो कोई कमी नहीं है बिल्कुल पनीर की। तो सबसे डिफरेंट है यहाँ का प्लेटिंग करने का अंदाज। तो ये रहा फ्रेश वाटरमेलन जूस। Hi guys and welcome to today's all new vlog. Hope you all are doing good. So today I am exploring Blessing Junction जो कि recently अभी open हुआ है स्मृति नगर में। सबसे पहले अगर मैं इसकी location की बात करूँ तो ये है भारत पेट्रोलियम के just सामने, Blessing Junction in front of भारत पेट्रोलियम स्मृति नगर। तो जैसे ही आप मेन रोड में एंटर करोगे जो पेट्रोल पंप है उसके जस्ट सामने आपको दिख जाएगा ब्लेसिंग जंक्शन। तो चलिए बात करते हैं अब मेनू की। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ना ब्लेसिंग जंक्शन में, वहाँ पे मुझे सबसे पहला दिखा ये ताज़ा ताज़ा फ्रूट्स यानी कि फ्रेश फ्रूट्स। तो ऑब्वियस ही बात है जूस तो ज़रूर ट्राई करेंगे यहाँ का। और मेनू की बात करूँ तो मेनू में आप देख सकते हो यहाँ पर जूस के साथ साथ बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। कॉम्बोज भी है, शेक्स है, डेजर्ट्स है, फ्रूट प्लेटर है जो कि बहुत यूनिक है। तो चलो और दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पर क्या क्या है। हाँ, मोमोज रोल्स वगैरह भी हैं, लाइक इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा लोकेशन है गाइस, मुझे तो अच्छा लगा। तो चलो और मेनू की बात करते हैं। यहाँ पे एक पार्किंग राइस विद मैंगो जूस एक न्यू दिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो मैं वो नहीं ले पाई। नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसका व्लॉग चाहिए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम उसका व्लॉग बनाऊंगी यहाँ का। और अभी मेरी नज़र गई थी फ्राइज़ की तरफ, तो ये अभी मैं मसाला चीज़ फ्राइज ले रही थी। ये क्या चिली डाल रहे हो ना? और ऑरिगेनो शेजवान सॉस। और ये तो ये मसाला चीज़ फ्राइज अभी यहाँ पर रेडी हो रहा है। और इनका ना प्लेटिंग करने का डिफरेंट तरीका है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीका है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो वो आप भी देख लो फटाफट। प्लेटिंग करने का आप देख ही सकते हो कितना यूनिक तरीके से किया जा रहा है और कितना अच्छी तरीके से किया जा रहा है दिमाग लगा लगा के। तो ये रहा मेरा मसाला चीज़ फ्राइज बिल्कुल रेडी है, अब इसको टेस्ट करते हैं। सो लेट्स टाइम टू टेस्ट। अगर बात करूँ प्लेटिंग की तो वो बहुत ही यूनिक था, बट हाँ चीज़ थोड़ा सा मुझे कम लगा, जैसे कि चीज़ मसाला फ्राइज था तो चीज़ होना चाहिए था और ज़्यादा, बट वो मुझे थोड़ा कम लगा। बाकी टेस्ट वाइज और स्पाइसी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ ट्राई करने वाली हूँ पनीर रोल विथ वाटरमेलन जूस। ये एक कॉम्बो था विच कॉस्ट ₹90। तो गाइज अभी यहाँ पे अपन देख लेते थोड़ा सा पनीर रोल बनाने का प्रोसेस। और प्रोसेस ऐसा था कि वेजीज और पनीर में कोई कमी नहीं की गई थी, पूरा भर भर के डाला गया था अच्छे से पनीर को। तो रोल का जो रोटी था उसको भी मैंने थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए बोला था। और ये देखो ये है पनीर रोल जो बन रहा है बहुत अच्छी तरीके से, भर भर के मायोनीज डाला गया है, पनीर डाला गया है, पूरा ऊपर तक स्टफिंग फिल है गाइस। तो चलो टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था गाइस, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि ऑब्वियसली पनीर पूरा भर के डाला गया था पूरा ऊपर तक, और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। तो चलो अब बारी आती है वाटरमेलन जूस की, जो कि कॉम्बो में ही था जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। उसका भी प्रोसेस आप देख सकते हो मेकिंग का, पूरा फ्रेश जूस है गाइस, उसमें कोई भी पानी वानी यूज़ नहीं किया गया है, फ्रेश जूस पूरा बनाया जा रहा है। तो फाइनली मेरा जूस बन के भी रेडी हो गया है। और यहाँ पर ना स्टार जैसे कट कर रहे वाटरमेलन को, इसके ऊपर लगाएंगे स्टार टाइप का वाटरमेलन, ये देखो यहाँ पर। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत यूनिक था यहाँ पर ये चीज़। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करना ब्लेसिंग जंक्शन का जूस स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश होता है। तो चलो इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने एक न्यू व्लॉग में एक न्यू लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन को प्रेस करके जाना। बाय।